नमस्कार। परीक्षा का तनाव खत्म करने के लिए छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम का तीसरा संस्करण दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बस अब कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तालकटोरा स्टेडियम पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि इस समय ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री छात्रों से बातचीत करते नजर आएंगे, उन्हें गुरु मंत्र देते नजर आएंगे और तालकटोरा स्टेडियम पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में करीब 2000 छात्र और शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से 1050 छात्रों का चयन निबंध प्रतियोगिता के जरिए किया गया है और ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वो आज परीक्षा पे चर्चा करते नजर आएंगे। आज परीक्षा पे कार्यक्रम चर्चा में 50 दिव्यांग बच्चे भी कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से ये सीधी तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और तस्वीरों के जरिए जो हमें समझ में आ रहा है, ये बच्चों की बनाई हुई अलग अलग पेंटिंग्स, अलग अलग कलाकृतियां और जाहिर तौर पर इनमें जो बच्चों की भावनाएं और बच्चों की सोच है उन्हें समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेंटिंग एंड पोस्टर एग्जीबिशन का मुआयना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग बच्चों की बनाए गए ये पोस्टर्स, ये पेंटिंग्स, जिनका अवलोकन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही हमें यहाँ छात्रा नजर आ रही है जो इन पेंटिंग्स और पोस्टर की बारीकियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझा रही है। वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। पूर्णिमा प्रियदर्शनी ऑफ KV1 भुवनेश्वर एक्सप्लेनिंग दिस डिपिक्शन ऑफ 100 इयर्स ऑफ महात्मा गांधी, द अपोसल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, his message through his three monkeys, hear no evil, see no evil, speak no evil. Mahatma Gandhi's dream of Ek Bharat, Shreshth Bharat. These are depictions of unity in diversity. Our nation's greatness lies in the harmony of religions and cultures. Depictions of exam management. Lakshit Pathak of KV Mount Abu. The paintings as colorful as our diverse culture. The first wealth is health, is what these paintings are depicting. Good health leads to success, and fit India is hit India. Lakshay Pathak.
a painting here of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi on the beach of Mahabalipuram, where he took time out to clean the beach by picking plastic waste himself. These paintings inspire us to be close to nature, to respect nature, and to work with nature in partnership rather than dominating nature. Jal Sangrakshan, an important message. Jal Suraksha, Atmaraksha. We need to save water for the future. We need to save the environment for the future by strictly saying no to plastic. Another look at exam management. Avoid phones and gaming. Do yoga. Maintain a schedule. Play every day. Take small breaks. These are the tips that the Honorable Prime Minister has been giving to the students in his various interactions. Discipline and routine form a shield against the arrows of stress and anxiety. The theme, in fact, for today's Pariksha Pe Charcha is from the PlayStation to the playfield. Something that the Prime Minister has been stressing on. Padhai ke saath saath khel kud utna hi zaruri hai. और इम्तिहान भी एक उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए. लावण्या लोधी ऑफ केवी 1 आगरा एक्सप्लेनिंग फिट इंडिया टू द प्राइम मिनिस्टर. प्लांट मोर ट्रीज, सेव वाटर, ड्रिंक वाटर, फिट इंडिया, हिट इंडिया. Fitness isn't a seasonal hobby, it is a lifestyle. Hum fit hain, to hit hain. The Prime Minister has been leading the nation in yoga, a practice that brings about a mind-body balance. The children have really imbibed the Prime Minister's messages. अपनी मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री जी बच्चों से हमेशा बात करते हैं, उनके लिए कोई ना कोई संदेश जरूर देते हैं. और फिटनेस का मंत्र वो हमेशा सभी को सिखाते हैं. दीज आर द ग्रेटेस्ट टीचर्स ऑफ आवर कंट्री.
Prime Minister has taken a keen interest in these expressions of the children. And in just a few minutes from now, he will arrive here inside Talkatora Stadium for Pariksha Pe Charcha 2020. He has said, Pariksha, पढ़ाई को परीक्षा से नहीं जिंदगी से जोड़िए, खुद को हर पल कसौटी पर कसने की आदत डालें, बच्चों को ले जाएं प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड की ओर। Close to 10 crore students from across the country watched or heard the program last year on Doordarshan and All India Radio. And students from across the country are also listening to us and watching us on Doordarshan and AIR today. In recent times, the Prime Minister in one of his tweets has said, कसौटी बुरी नहीं होती, हम उसके साथ किस प्रकार से डील करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मेरा तो सिद्धांत है कि कसौटी कसती है, कसौटी कोसने के लिए नहीं होती। स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। द प्राइम मिनिस्टर हैज सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स, वन नीड्स टू फॉलो वन्स पैशन, वन शुड हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, faith in conviction and character to act. These key points will make you develop in choosing the correct direction. Being close to the environment is a very important part of the Prime Minister's life. When he does yoga, he tries to be close to nature. Being silent and for the students, he has some simple tips which are great life lessons. Your aim should be reachable but not within reach. You need to aim for larger targets. If you fail for the aim, it is forgivable, but not if the aim is too low. For the parents, he has said, I would request parents, do not expect your children to fulfill your unfulfilled dreams. To the children, he has said, and we see these messages in these paintings here, increase your focus to lessen the burden. The burden of exams will lessen and focus will increase if we do away with it and not bother with it. There is a life beyond exams. Life does not stop if you score any lesser in an exam. So it's up to the student. If you want, you can convert the stress energy into a positive energy, because stress only leads to more stress and one tends to become negative. It is a choice which every student can make if he chooses to do so. And the students here are choosing to be positive, are choosing to listen to the Honorable Prime Minister. Painting, he has said, is an excellent way of expressing your thoughts and also a wonderful way to relax when you play with colors and express your innermost thoughts on canvas.
you connect with your inner self. HRD Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank and MOS HRD Shri Sanjay Shamrao Dhutre. In his previous interaction with the students, the Prime Minister talked about his Swachh Bharat mission, in which students participated in a big way. He also thanked the media for spreading the message of Swachh Bharat. Students from across India are eagerly waiting for Prime Minister's Pariksha Pe Charcha. There are a couple of thousand students here, but there are crores of students who are watching this program live through Doordarshan, and for us it's a great pleasure to bring this program to you. This is a wonderful platform for students to speak to the Prime Minister frankly and without hesitation. In fact, some students had written to him and demanded that the program be held in January, well before the exams start. The Prime Minister promptly ensured the students that their demands would be met ASAP. This bonhomie and informality is wonderful for the students and also for the teachers and the parents. Is charcha ke zariye Pradhan Mantri ji ka uddeshya hai ke bacche haste khilkhitate rahe, and the moment has arrived when the Prime Minister will begin Pariksha Pe Charcha. A loud cheer here as the students welcome him. का रुख मोड़ दिया हो, भारत वर्ष को फिर से विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करने में तत्पर, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समग्र शिक्षा, जल सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को पूर्ण करने के पुरोधा अत्यंत लोकप्रिय गुरु, जननायक, मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत, भारत के अपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा 2020 में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं कोटि-कोटि अभिनंदन। We also welcome esteemed Minister for Human Resource Development, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, respected Minister of State, Shri Sanjay Shamrao Dhotre ji, and all other dignitaries on this splendid occasion. We once again welcome this brilliant audience on this historic occasion. Pariksha Pe Charcha 2020 ke shubh avsar par manyavar manav sansadhan vikas mantri bharat sarkar Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji ko sadar aamantrit kar raha hu. Kripya hum sab ke chahete rashtra gaurav mananiya pradhan mantri ji ke samman mein swagat bhashan evam is avsar par unki amulya upasthiti par abhinandan hetu manch par padhare. विश्व के सबसे प्रिय और लोकप्रिय नेता के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज सौभाग्य से हम को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं. मैं अपने सहयोगी मंत्री संजय जी और अपनी टीम और देश के कोने कोने से आए ये चुनिंदे हीरों के साथ अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूं, उनका स्वागत कर रहा हूं. माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पूरे देश के कोने कोने से आए 2000 से भी अधिक वो छात्र छात्राएं हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता को जीत करके अपने को हौसला बुलंद करके यहां तक पहुंचे हैं. आपने जब आपने प्रवेश किया तो 5 थीम पर जो कला के क्षेत्र में
अपनी अभिव्यक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शनी को अभी आपने देखा है, और यहाँ भी जो प्रशाल में बैठे हैं देश के कोने कोने से, ये अपने अपने राज्यों से अपने चुन करके आए हैं चुनिंदे हीरे हैं, और एक बार पुनः इन चुनिंदे हीरों की ओर से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज न केवल पूरा देश बल्कि भी विश्व आपकी इस महत्वपूर्ण पहल को बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा है, जहाँ देश के 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 16,00,000 से भी अधिक स्कूल, 1,00,00,000 से भी अधिक अध्यापक और 33,00,00,000 से भी अधिक छात्र आज सीधे सीधे अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं तो आज चाहे वो जापान हो, चाहे वो रूस हो, चाहे ईरान हो, तेहरान हो, दुबई हो या नेपाल हो, दुनिया के 27 देशों के करोड़ों करोड़ों लोग भी इस क्षण पूरी आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहे हैं। पूरी दुनिया परीक्षा पर चर्चा जो आपने शुरू किया था श्रीमान, और ये तीसरा संस्करण है उसका, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता इस बात से इंगित की जा सकेगी कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस समय 2.5 गुना से भी ज्यादा छात्रों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है, और पूरा न केवल ये छात्र छात्राएं जुड़े हैं बल्कि पूरे देश के हमारे अभिभावक भी आज सीधा सीधा आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि परीक्षा तो हर व्यक्ति की है, हर कदम पर है, जीवन आजीवन जीवन से लेकर और अंतिम क्षण तक हर व्यक्ति परीक्षा से होकर के गुजरता है, और आपके उद्बोधन से हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, और इसीलिए आज सब परीक्षा पर यहाँ पर मैं जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं यहाँ पर छात्र, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जिसने विश्व के फलक पर आज सारा विश्व अपनी आशा भरी निगाह से देखता है, जो पूरी दुनिया का विभिन्न क्षेत्रों में अपना विजन के साथ नेतृत्व कर रहे हैं, वो चाहे आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकत्रित करने का मुद्दा हो, और चाहे पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति में पूरी दुनिया में मौसम परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने का हो, या मानवता के लिए योग तन और मन को ठीक करने के लिए योग को पूरी दुनिया में सरसाने का विषय हो, या ऊर्जा के संकट से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर के सौर ऊर्जा का केंद्र के रूप में एक नई सफलता के आयाम को स्थापित करने का विषय हो, पूरी दुनिया आज हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर आशा भरी निगाह देख रही है, सुख और शांति की कल्पना करके, क्योंकि शांति की दिशा में भी तरीके से आपने आतंकवाद पर छोड़ करके पूरी दुनिया को एक जगह एकत्रित किया, आज सारा विश्व शांति के लिए आपकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। आपने इस देश को शिक्षा का हब बनाना सुनिश्चित किया है, अपने ज्ञान की महाशक्ति बनाने की दिशा में जो निर्देश दिया, स्कूली शिक्षा में हमारे बच्चे चैटल टिंकरिंग लैब हो और चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विषय हो, शायद पूरी दुनिया में हमारा ही देश है जो स्कूली शिक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुनिश्चित कर रहा है, पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहा है, पहला ही हिंदुस्तान में, और इसलिए बच्चों के आपकी प्रेरणा से पीछे के दिनों में प्रधानमंत्री नवाचार कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था, जो बहुत ही अद्भुत रहा है। आपके जो विजन है पूरे देश से 30 कला क्षेत्र और 30 विज्ञान क्षेत्र के बच्चों को, ऐसी प्रतिभाओं को जिनकी पूरी प्रतिभा बाहर निखर करके आए, ऐसे बच्चों को छांट करके, ऐसे छात्र छात्राओं को छांट करके 14 दिन की उनकी जो यात्रा हुई है वो भी ऐतिहासिक रही है। उस कार्यक्रम को हमने ध्रुव कार्यक्रम दिया है, और आपके आशीर्वाद से ये ध्रुव तारा बनकर के विश्व में छाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हम लोगों ने चाहे स्वयं प्रभाव हो, स्वयं हो, और चाहे दीक्षा पोर्टल हो, आपकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, जहां स्कूली शिक्षा में हम 2021 में पूरे विश्व की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं,
2021 के लिए पीसा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, वही उच्च शिक्षा की दिशा में जो आपने कहा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जो आपकी जो विजन है कि अब जय अनुसंधान भी होना चाहिए। इस समय पूरा देश पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में जो आपने उत्कृष्ट संस्थान हमको 20 दिए हैं जो पूरे विश्व की फलक पर अपने को स्थापित करेंगे, जो चाहे वो टाइम्स की गणना हो और चाहे वो विभिन्न विश्व के स्तर के जो रैंकिंग में कैसे करके हमारे संस्थान आ सकते हैं उसके लिए हमने स्पार्क एक ऐसा जो विश्व के 117 वरिष्ठ और श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के साथ हमने स्पार्क योजना की है, अनुसंधान के स्ट्राइड योजना की है, परामर्श योजना की है, इम्प्रेस और इम्पैक्ट के सहित तमाम क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। और जैसे आपकी प्रेरणा से इस समय जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनुसंधान संस्थान की दिशा में देश काम करेगा वो नवाचार के साथ और जो नई शिक्षा नीति आ रही है ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के साथ नवाचार के साथ जो आपका की कल्पना है नए भारत के निर्माण की जो आपकी संकल्पना है ऐसा भारत स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत और सशक्त भारत और उसको जो सूत्र से चलाने के लिए आपने हमको 5 सूत्र दिए मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया स्टार्ट और स्टैंड अप इस रास्ते से होकर मेरे छात्र पूरी आपकी जो कल्पना है जो आपका विजन है उसको मिशन के रूप में तब्दील करके और इस देश को आपके अनुसार एक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपका हमको आशीर्वाद मिला है, मैं आपका हृदय की गहराइयों से हम सब लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि हम सारे लोग और सारा विश्व आज आपके साथ जुड़ा हुआ है और जो हमारे चुनिंदे हीरा हैं आप आशीर्वाद के लिए हमारे बीच आए और ये कार्यक्रम हम फिर उसके बाद शुरू करें। प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराई से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। नमस्ते, आप लोग बैठिए। फिर एक बार आपका ये दोस्त आपके बीच में है, मैं सबसे पहले तो 2020 इस नववर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये 2020 का सिर्फ नया वर्ष ऐसा नहीं है, ये नया डेकेड है, नया दशक है और आपके जीवन में ये दशक जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हिंदुस्तान के लिए भी ये दशक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में देश जो भी करेगा उसमें इस समय जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनका सबसे ज्यादा योगदान होगा। मतलब ये दशक महत्वपूर्ण बने, नई ऊंचाइयों को पाने वाला बने, नए सपने नए संकल्प नए अरमान नई सिद्धियों के साथ आगे बढ़े, ये सब इस पीढ़ी पर ज्यादा निर्भर करता है और इसलिए भी इस दशक के लिए मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
सरकार में बहुत लंबे समय से मैं बंधा हुआ हूं, बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा, फिर से आप लोगों ने ये काम दे दिया। और इसके कारण कई कार्यक्रमों में जाना होता है, अनेक विध प्रकार की प्रवृत्तियों से जुड़ने का अवसर मिलता है। हर प्रसंग का एक अपना अनुभव होता है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, हर एक का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि सारे इतने कार्यक्रमों के बीच वो कौन सा कार्यक्रम है जो आपको सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है, अपने दिल के करीब है, तो मैं कहूंगा क्या, कौन सा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि और मैं जब इसकी तैयारी होती है, जब आप लोग कुछ लिख करके भेजते हैं, और मैं देख रहा हूं कि देश के हजारों स्कूल, शायद देश का कोई तहसील ऐसा नहीं होता होगा जो इससे जुड़ता ना हो, तो मुझे भी देश के अलग अलग कोने में युवा मन क्या सोचता है, युवा मन क्या चाहता है, युवा मन क्या कर सकता है, ये मैं भली भांति फील कर सकता हूं। मैं अंदाज कर, अच्छा इतना बढ़िया बता रहे हैं बच्चे, मन को एक आनंद आता है। उसी प्रकार से जब मैं नौजवानों के साथ हैकेथॉन के कार्यक्रम में जाता हूं, भारत का उज्जवल भविष्य कितनी नई इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ सकता है, ये उसमें अनुभव आता है। तो ऐसे कई कार्यक्रम जहां पर नौजवानों से मिलने का मौका मिलता है, युवा पीढ़ी से बात करने का अवसर मिलता है, वो मेरे लिए भी एक शिक्षा का अवसर होता है। और इसलिए मैं अब ये सीख है कि मैं परीक्षा पे चर्चा न करता तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं थी, अगर मैं न करता तो कोई अखबार में एडिटोरियल भी नहीं छपने वाला था कि देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, ये करता तो है नहीं। ये मैंने खुद ने खोज करके अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि जैसे आपके माता पिता जब आप 9वीं कक्षा से निकलने की तैयारी में हो, उनके दिमाग में 10वीं 11वीं 12वीं भर जाती है, कुछ भी करोगे पता नहीं अब 10वीं में आ गया, समझ नहीं आता है 12वीं है, कौन समझाएगा तुझे, ऐसा कहते कि नहीं कहते, दिन में 100 बार डायलॉग सुनते हो ना। तो मुझे लगा कि आपके माता पिता का भी बोझ मुझे थोड़ा हल्का करना चाहिए, तो जो काम वो करते हैं मैं ही सामूहिक रूप से कर लूं, क्योंकि मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूं। और दूसरा, हमारे यहां गुजराती में एक कहावत है, पार की मां कान बिंधे, यानी किसी को कान में जब नहीं वो छेद करते हैं, मुझे भी है, मैं बचपन में पहनता था लेकिन हम वो नीम की वो पत्ती रहती थी उसका एक छोटा सा लगा देते थे, वो लकड़ी होती थी अंदर मां डाल देती थी। लेकिन घर में जो कहा जाता है वो मम्मी पापा रोज कहते हैं, यही सुनाते हैं, लेकिन कोई बाहर का कहता है
तो कभी कभी वो रजिस्टर ठीक से हो जाता है। हो सकता है कि जो बात आपके माँ बाप करते हैं, आपके गार्डियन, आपके पिता, आपके टीचर करते हैं, वही काम मैं करता हूं, अलग तरीके से करता हूं, और अपनेपन से करता हूं। आपका दोस्त बन करके, आपका साथी बन करके, एक मददगार के रूप में मैं करता हूं, इसलिए मुझे भी संतोष मिलता है और आपको भी मैं बोझ नहीं लगता हूं, नहीं लगता हूं ना है? यार ये प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, फिर घर जाएंगे तो यही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो आज हम बातचीत शुरू करते हैं, और आजकल की फैशन है भाई हैशटैग विदाउट फिल्टर। तो हमारे बीच भी हैशटैग विदाउट फिल्टर, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई बोझ नहीं, हल्की फुल्की बातें, गलती भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और मेरी होगी तो टीवी वालों को भी मजा आएगा। मैं ज्यादा तो उनको खुश नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर उनको इससे भी खुशी मिलती है तो मुझे और खुशी होती है। खैर दोस्तों, हल्के फुल्के इस माहौल में अपन बातचीत शुरू करते हैं। पहला सवाल किसका है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहपूर्ण प्रेरक उद्बोधन से सभागार में उत्सव का माहौल बन गया है। इस सभागार में उपस्थित हजारों छात्र छात्राओं के अलावा विश्व भर के 25 देशों से 30 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मान्यवर, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से अब हम सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए संयुक्त लाभदायक प्रश्नों की श्रृंखला का आरंभ करना चाहते हैं। आइए अब प्रधानमंत्री जी के अनुमति से बढ़ते हैं परीक्षा पे चर्चा 2020 की विशिष्ट आकर्षण की ओर। मान्यवर, देश की आन बान शान की भूमि राजस्थान के पीडीएस सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा यशश्री यहाँ उपस्थित है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अपना प्रश्न पूछिए यशश्री। गुड मॉर्निंग सर, आई यशश्री फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल राजस्थान। माई क्लासमेट्स एंड आई आर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर, तो इसके बारे में हमारा बहुत बार मूड ऑफ हो जाता है, सो सर प्लीज मोटिवेट अस एंड गिव सम सजेशंस टू फेस द एग्जाम्स विदाउट एनी स्ट्रेस एंड नर्वसनेस। थैंक यू। धन्यवाद यश्री। माननीय प्रधानमंत्री जी, यश्री यह जानना चाहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं के विचार उनका मूड ऑफ कर देता है, वह कैसे अपने आप को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे। मैं सोच रहा था नौजवानों का तो मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड ऑफ क्यों होता है? अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिस्थिति से? ज्यादातर आपने देखा होगा कि अधिकतम केस में दिमाग खराब होता है, मूड ऑफ हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, उसमें बाहर की परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेवार होती हैं। जैसे माँ ने, आपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूं, 6 बजे मुझे कुछ चाय वगैरह मिल जाए, देखना। फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से, लेकिन बीच बीच में घड़ी देखते हैं, 6 बजे कि नहीं बजे। तो गड़बड़ वहीं से शुरू होती है, और फिर
मां को आने में देर हो गई। वो 15 मिनट अंदर से तूफान खड़ा हो जाता है, मां समझती क्या है, उसको समझ नहीं है मेरी 10वीं की एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैंने 6 बजे चाय के लिए बोला था, मूड पक्का, यही होता है ना। अब सोचने का तरीका दूसरा, ये सब हुआ, लेकिन अगर आपने ये सोचा अरे मां इतनी मेहनत करती है, मेरी इतनी चिंता करती है, जरूर कुछ हुआ होगा कि मां 6 बजे चाय नहीं ले पाई, तकलीफ में होगी, मैं जरा देखूं मां को कुछ हुआ तो नहीं है, मुझे बताइए मूड ऑफ होगा कि मूड चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूड डाउन हो जाता है। अगर हम आदत बना दें, आपने देखा होगा कि हम 5-6 दोस्तों ने कोई खेलने का कार्यक्रम बना दिया, खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक साथी अभी आया नहीं, हम लोगों को जाना है, जल्दी जाना है। आपने देखा होगा कि उन 5 जो पहुंच गए हैं उसमें 2 ऐसे होंगे जो छटपट आएंगे, यार आया नहीं, देखो लेट हो गया, उनका दिमाग उसमें हुआ। 3 ऐसे होंगे, अरे यार छोड़ आएगा। अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मूड का साथ। जहां तक मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता हो। हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी एकदम से असफलता मिली तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप देखिए चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे थे, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था, लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे बस, जैसे आपने ही किया है, किया ऐसा होता तक नहीं होता, और जब नहीं हुआ तो आप सबके सब साइंटिस्ट और पूरा हिंदुस्तान एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया था, अब सब रात को जाग रहे थे। कभी कभी विफलता हमको ऐसा कर देती है। उस दिन मैं भी वहां मौजूद था, कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मोदी जी आपको वहां इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे। मैंने कहा इसीलिए मुझे जाना चाहिए, और जब लास्ट कुछ मिनट से मैं देख रहा था साइंटिस्टों के चेहरे पर बदलाव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो मैं समझा कुछ अनहोनी, हम साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा कुछ अनहोनी हो रही है। फिर थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं करिए, मैं बैठा हूं। फिर एक 10 मिनट के बाद उन्होंने बताया साहब नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहां बैठा, कुछ बातें की, अंदर भी जाकर के थोड़ा चक्कर लगाया, चिंता मत कीजिए ऐसा करके, फिर मैं रात को करीब 3 बज गए थे, मैं अपने होटल पे गया। लेकिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया,
सोने का मन नहीं करता था। हमारी जो पीएमओ की टीम है वो अपने कमरे में चली गई थी, आधा पौना घंटा ऐसे ही बिताया, मैं चक्कर काट रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो यार, सबको बुलाओ। तो फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है, लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे, सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, देर से जाएंगे। और इन साइंटिस्टों को रात के 3 बज गए हैं, लेकिन क्या सुबह 7, 7:30, 8 बजे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? मैं मिलना चाहता हूँ। मैं जा सकता था, सुबह उठ करके चला जाता, और जिस देश में कोई नोटिस भी नहीं करता, कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था, और इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है कि देश के सपनों की बातें की। एक पूरा माहौल बदल गया, और वहां बदला ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया। जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पर देखा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं, और किसी चीज में आप विफल गए इसका मतलब यह है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। अगर वहीं रुक गए फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे आपको खींचने के लिए नहीं निकल सकते हो, ये खुद तय करो तो आप निकल सकते हो। और इसलिए मोटिवेशन डीमोटिवेशन आपको मालूम होगा, 2001 में सर कलकत्ता में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था, तब आप लोग तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, और ऐसी स्थिति हो गई, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पर है, तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत का कोलकाता में मैच था, फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे हाल थे, दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी, सारा माहौल डीमोटिवेशन का था, ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उत्साह बढ़ाओ, लेकिन तब ए, क्या आउट हो गए, देखो क्या है, ऐसा होता है। लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस पिच पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए, सारी परिस्थिति को उलट कर दिया, इतना ही नहीं वो जीत करके आ गए मैच को। माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था, लेकिन एक संकल्प, कैसे हार सकते हैं, जूट जाएंगे जूझेंगे, बॉल एक एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे, परिणाम दिया। तो 2002 में भी आपने देखा होगा भारत की टीम वेस्टइंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़वा टूट गया, काफी पट्टियां वट्टियां बांध करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं, यहां जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा भी दर्द होता है कितना होता है। अब स्थिति ये थी कि अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे, अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता,
लेकिन उन्होंने तय किया नहीं मेरा जिम्मा है। ठीक है दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं। मैदान में उतरे और आपको पता होगा कि उस समय 12 की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया। यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का ऐसा कैसी तरीका है उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे और फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद आपको। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाओं का निराकरण आपके वचनों से हो गया माननीय। अब मूड एकदम फ्रेश हो गया सर, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की साधना स्थली केदारनाथ के राज्य उत्तराखंड से कक्षा 10वीं के मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल श्रीमान से मार्गदर्शन चाहते हैं। मे वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सुप्रभात। मैं मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार उत्तराखंड से कक्षा 10 का छात्र हूँ। सफल लोग जैसे बिल गेट्स, थॉमस एडिसन और मार्क जुकरबर्ग अपने प्रारंभिक जीवन में असफल साबित हुए हैं, अतः परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों द्वारा ही किसी की पहचान नहीं की जा सकती है। माननीय महोदय मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु हम अपना कितना ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद। धन्यवाद मयंक। माननीय प्रधानमंत्री जी, मयंक यह जानना चाहते हैं कि जीवन में सफलता का मापदंड क्या केवल परीक्षा में प्राप्त मार्क्स हैं? आपकी ये चिंता सही है और शायद हर विद्यार्थी को घर में और स्कूल में लगातार इसी का मुकाबला करना पड़ता होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं हमारी शिक्षा को लेकर के, जिसमें सफलता विफलता का एक टर्निंग पॉइंट कुछ विशेष परीक्षाओं के मार्क्स बन गया है और उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूंगा। एक बार मार्क्स ले आऊं, माँ बाप भी यही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, कह रहे भाई पहले तुम 10वीं बढ़िया कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर 11वीं में आएंगे तो फिर कहे भाई बात बराबर है लेकिन 12वीं बहुत महत्व की है, जरा इस पर जोर लगा दो। फिर कहेंगे एंट्रेंस एग्जाम महत्व की, इस पर जोर लगा दो। उनका इरादा होता है कि बच्चे को जरा मोटिवेट करें, उत्साहित करें, लेकिन किसी जमाने में शायद यह सत्य होगा, आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाएं बहुत बढ़ गई है, सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए। जिस दिन माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो मेहरबान करके ऐसा मत करो, ये हुआ अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई
ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। आपने देखा होगा किसान, हो सकता है स्कूली शिक्षा बहुत कम हुई हो, लेकिन वो सीखता है, अनुभव करता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, शिक्षा की अपने खेती की पद्धति बदलता है, आधुनिक करता है, जीवन को कितना बढ़िया बना देता है। और इसलिए मैं साफ कहूंगा कि परीक्षा का महत्व है, उसके बावजूद भी परीक्षा ही जिंदगी है, ये सोच से हमें बाहर आना चाहिए। जीवन में कई प्रवृत्तियां होती हैं, कई चीजें होती हैं, इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचन हम सबके लिए प्रेरणा के सूत्र हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रजक्ता अतंकर, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ केंद्रीय विद्यालय गंगानगर गरहा जबलपुर, जॉइंस अस टू आस्क हर क्वेश्चन। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? माय नेम इज प्रजक्ता अतंकर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय गरहा जबलपुर एमपी। माय क्वेश्चन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, the balance between co-curricular activities and study is very important, but these activities restrict the children, is it so? Mantri ji, isi se milta julta ek aur prashn hai. Government Girls Senior Secondary School number 2 Delhi ki kaksha 9vi ki chhatra Riya Negi apne man mein utne wale prashn ka samadhan chahti hain. Riya sabhagar mein baithi hain. Riya, kripya apna prashn puchhe. Maniye Pradhan Mantri ji, मैं रिया नेगी, कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में पढ़ती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं मगर अन्य क्षेत्रों जैसे खेल कूद, संगीत इत्यादि में अच्छे होते हैं, वह अब उनका भविष्य क्या होगा, इस पर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद रिया। महोदय, एक और भी प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। अ रेसिडेंट ऑफ हुगली कोलकाता, द लैंड ऑफ ग्रेट सेंट विवेकानंद एंड नोबल लॉरिएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, अनामिका भुनिया ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय इज हियर विद अस इन द ऑडियंस टू आस्क हर क्वेश्चन। अनामिका, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, आई एम अनामिका भुनिया स्टडिंग इन क्लास 11 साइंस। I am from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Hooghly, West Bengal. My question is, how can we make a balance between our extracurricular activities and academic activities? Sir, please give us some suggestions. Thank you. Thank you, Anamika. Manyavar, Prajakta, Riya va Anamika utsuk hain yah janne ko ki paathi sahagami kriyaon व पढ़ाई के बीच सामंजस्य या बैलेंस कैसे स्थापित करें। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता हूं या करती हूं तो मेरी पढ़ाई में नुकसान होता है, ऐसे मानने वाले कितने हैं? कोई नहीं है। अच्छा, जो मानते हैं मेरे लिए पढ़ाई का महत्व है लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अन्य एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, ऐसा मानने वाले कितने हैं? अच्छा, उसमें भी थोड़ा उत्साह कम है। अच्छा, तीसरा सवाल, जो ये मानते हैं हाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए और जो समय दे करके रेगुलरली करते भी हैं, ऐसे कौन कौन है? चलिए, ये स्थिति हमें बदलनी है। देखिए, आखिरकार हम जो शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक प्रकार से बहुत बड़ी दुनिया के दरवाजे खोलने का रास्ता होती है, उसी से दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। जब बालक
अल्फाबेट सीखता है ए या क, उसका मतलब कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। पहले अल्फाबेट सीखेगा, उसके बाद दो दो अक्षरों का शब्द सीखेगा, फिर तीन अक्षर वाला शब्द सीखेगा, फिर दो दो शब्दों को सीखेगा। शुरू तो किया था क से, लेकिन करते 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 कहां पहुंच गया, क्योंकि वो एक एंट्रेंस पॉइंट था। हमारी पूरी शिक्षा जो है वो हमें कुछ करने जानने के लिए एक अवसर देती है, उसी को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना होता है। कोई अगर सारे गम पधनी सा ये बहुत परफेक्ट कर ले, यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो म्यूजिक की दुनिया के लोग हैं वो भी उसकी वाहवाही करें, वैसा ही सारे गम पधनी सा, लेकिन वो वहीं रुक जाए तो वो संगीत की दुनिया में कुछ कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सारे गम पधनी सा संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का एक एंट्रेंस पॉइंट है। उसको आत्मसात करने के बाद संगीत की सारी विधाओं में उसको जाने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैंने तो शिक्षा ले ली, सारे गम पधनी सा आ गया, अब मुझे संगीत आ गया, अब मुझे कुछ करना नहीं, तो होगा क्या? मतलब एक्चुअली जो हम सीखते हैं इसको डेली कसौटी पर कसना चाहिए, डेली। और टीचर जो क्वेश्चन आंसर करे उसकी कसौटी पे नहीं, जिंदगी की कसौटी पे कसना चाहिए। अगर मैंने क्लास में मुझे पढ़ाया गया कि भाई कम बोलने से फायदा होता है, तो फिर कभी कोशिश करनी चाहिए कि जब माँ बाप बहुत डांट रहे हैं, कुछ गलती करके आए हैं, तो ट्रायल करना चाहिए वो जो कम बोलने वाला कहा था यहां काम आएगा क्या। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट बन के रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां एक्टिविटी उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी आने बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब अवसर बहुत कम थे तो लगता था भाई एक बार किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाऊं तो रास्ते खुल जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है। और इसके लिए अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, तो हम अवश्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमने जीवन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बदल, लेकिन एक नई बुराई इन दिनों प्रवेश कर गई है, ये बुराई बहुत चिंताजनक है। क्या हुआ है? पेरेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी एक प्रकार से फैशन स्टेटमेंट हो गया है। जब माँ बाप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो उनको ये कहने का मजा आता है, मेरा बेटा सुबह क्रिकेट कोचिंग में जाता है, फिर 10 बजे टेनिस में जाता है, फिर 11 बजे स्विमिंग के लिए जाता है, फिर 5 बजे आरंगेत्रम मणिपुरी डांस सीख रहा है। उनको बड़ा मजा आता है। क्यों?
कभी कभी माँ बाप सोच लेते हैं कि जो ग्लैमर ड्रिवन एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सेलिब्रिटी के रूप में आपको अच्छा लगता है, ऐसी गतिविधि मेरे बेटे बच्चों से कराऊंगा, तब क्या होता है कि जैसे माँ बाप बच्चों पर एग्जाम को लेकर के दबाव डालते हैं, अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी माँ बाप दबाव डालने लगे हैं। हो रहा है ना, कईयों को नहीं बोलेंगे। मैं आपकी मुश्किल जानता हूं, क्योंकि बोलेंगे और टीवी पे घर वाले देख लेंगे तो। लेकिन ये सही है, मां बाप का भी काम है कि बच्चे के एक तो स्थानीय व्यवस्था में अवसर कहां कहां है, उसमें से उसकी रुचि वाली चीजें कौन सी है, मां बाप ने उसके साथ बातें करते करते निकालना चाहिए और जिसमें उसकी रुचि है उस एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कहीं ना कहीं तो बांधना चाहिए, तब जाकर के आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो और जीवन में एक संतोष भी प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होंगे 35-40 साल के बाद ये करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके मन में बोझ रहता है, यार स्कूल के जीवन में ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर उसके लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। अगर आप स्कूली जीवन में विविधताओं भरे जीवन को कसने का आदत बनाते हैं तो आने वाले जीवन में ये बहुत उपयोगी होता है। जितना क्लासरूम में पाई हुई शिक्षा का महत्व बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उम्र के बाद ये अन्य चीजों से अपने आप को जो कसा हुआ है वो जीवन जीने के लिए बहुत काम आता है। और इसलिए एक को दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान करना ऐसा मत मानना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए, डेली 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, आप उसी में लगे रहोगे, किताब ये बस एक एक चीज 10-10 20-20 बार करते रहोगे, आप बिल्कुल बन जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। From the islands for their pristine beaches, K. Divya, a class 10 student of Government Model Senior Secondary School, Andaman, she seeks respected Prime Minister's viewpoints on certain issues. Could we have the question, please? Honorable Prime Minister, sir, Namaskar. I'm K. Divya of class 10 from Government Model Senior Secondary School, Andaman and Nicobar Islands. My question to you is, what should be the role of modern technology in a student's life? Question comes from Deepesh Rai, a student of class 12 of Namchi Senior Secondary School, South Sikkim, and has traveled all the way from Sikkim to be here with us in the audience to ask his question. Deepesh, apna prashna poochiye. Good morning, everyone. Honorable Prime Minister, my name is Deepesh Rai, studying in class 12 from Namchi Senior Secondary School, Sikkim. So my question is that many children in the world are using educational technology to learn better. So how can it help us? धन्यवाद दीपेश। महोदय, दिव्या व दीपेश जानना चाहते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी छात्र जीवन में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। शायद पिछली शताब्दी के आखिरी कालखंड और इस शताब्दी का आरंभ कालखंड, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने पूर्ण रूप से जीवन को बदल दिया है। एक प्रकार से जीवन भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, और इसलिए टेक्नोलॉजी का भय ये कतई अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है, मैं क्या करूं, आने नहीं देना चाहिए।
दूसरा, अब टेक्नोलॉजी आई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं पहले तो ऐसे सोचता था, ऐसे करता था, अब नई चीज आई मैं कैसे कोप अप करूंगा। जी नहीं, टेक्नोलॉजी को हम अपना दोस्त माने, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम पहले से समझने की कोशिश करें, हम प्रोएक्टिव हो। तीसरा, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना इनफ है क्या दोस्तों के बीच में छटाके मारने के लिए काम आएगा कि मुझे ये पता है कि दुनिया में ये हो रहा है, कैमरा ऐसा निकला है, मोबाइल फोन ऐसा निकला है? नहीं। जब मैं टेक्नोलॉजी के विषय में जानता हूं तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं जिस प्रकार की सोच को लेकर के काम कर रहा हूं, मेरे लिए इसमें उपयोगी कैसे होगा? क्या मैं टेक्नोलॉजी को मेरे लिए लाऊंगा कि टेक्नोलॉजी मेरा समय खा जाएगी? ज्यादातर अनुभव ये आ रहा है कि कईयों का समय टेक्नोलॉजी चोरी कर लेती है। आप में से कितने हैं जो स्मार्टफोन उपयोग करते हैं? बताइए ना, संकोच मत कीजिए, आपके टीचर नहीं देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये स्मार्टफोन कितना समय आपका चोरी करता है, और मान लीजिए उसमें से 10% कम करके अपने माँ दादा दादी इनके साथ अगर बिताए, 10 मिनट में कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, आज आपका स्मार्टफोन जितना समय खाता है, जितनी चोरी कर जाता है, उसमें से 10 मिनट अपने दादा दादी माँ उनके साथ बैठ के बिताओ, तो टेक्नोलॉजी ज्यादा उपकारक बनेगी कि दादा दादी के साथ खुले मन से 10 मिनट की बात उपकारक? उपकारक क्या होगा? मतलब टेक्नोलॉजी हमारा समय चोरी कर जाए, टेक्नोलॉजी हमें खींच के ले जाए, इससे हमें बचना चाहिए। हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी को मेरे कब्जे में रखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को मेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करूंगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी के प्रति, और मुझे खुशी होती है, आप देखिए कभी रेलवे स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे एक पूछताछ की विंडो होती है, वहां पर कोई अफसर बैठे होते हैं, ट्रेन कब आएगी, क्या जाएगी, रिजर्वेशन का, तो पूछने के लिए जाते हैं। लेकिन उसी पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला बोर्ड होता है, उस पर सब लिखा होता है, ये ट्रेन का नाम है, कहाँ से कहाँ जाती है, कितने नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेट चल रही है कि समय पर, सब लिखा हुआ होता है। लेकिन हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वे क्या करते हैं, खिड़की के पास कतार लगा के खड़े हो जाएंगे, हैं 20 नंबर 30 नंबर खड़ा रहूंगा, ऊपर देखूंगा, पढ़ूंगा नहीं, मेरे सवाल का जवाब वहां है, वो बता रहा है कि दिल्ली एक्सप्रेस, जम्मू तावी एक्सप्रेस इतने बजे जाने वाला है, इतने नंबर पे जाएगा, 5 मिनट लेट है, 7 मिनट, लेकिन मैं जब तक उसको नहीं पूछता हूं। आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं कि किसी को मैसेज करेंगे, फिर फोन करके पूछेंगे मेरा मैसेज मिला? और इसलिए टेक्नोलॉजी का हम, आज की पीढ़ी क्या करती है, वो घर से ही मोबाइल फोन पर गूगल गुरु से बात कर लेती है और देख लेती है ट्रेन कौन सी लेट है कौन सी नहीं है, वो घर से ही कितने बजे निकलना तय करते हैं कि नहीं करते हैं, मतलब उसने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया। एक पीढ़ी वो है, सामने है, फिर भी देखने को तैयार नहीं जब तक पूछता नहीं है। आज नई पीढ़ी वो है जो पूछने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है मेरे पास है, मैं इसको पूछूंगा, वो और जो कहेगा वही सही है। इसका मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या हो ये उसको करना आ गया। मैं आपसे आग्रह करूं, जैसे वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्या कभी हम अपनी मातृभाषा की डिक्शनरी
या किसी अन्य एक भाषा के डिक्शनरी, जो भी आपको पसंद आए, अंग्रेजी करना है अंग्रेजी, या डेली अपने मोबाइल फोन में जो डिक्शनरी है तय करेंगे कि आज मैं कम से कम 10 नए स्पेलिंग और उसका मीनिंग दिन भर में जब भी जाऊं मोबाइल फोन निकाल करके देख लूंगा, याद कर लूंगा पर डे 10। बोलिए टेक्नोलॉजी उपयोगी हुई कि नहीं हुई? तो टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करना है, कहीं ऐसा ना हो कि मां बाप के और आपका झगड़ा इस बात पे हो कि दिन भर दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, टेलीफोन पे लगे रहते हो, तो ये तो ठीक ठीक नहीं है। किसी समय सोशल नेटवर्किंग ये बहुत आवश्यक माना जाता था। रोज लोग 1 घंटा 2 घंटा शाम को निकलते थे, किसी फंक्शन में जाएंगे, दोस्तों के यहाँ जाएंगे, मिलते रहते थे। क्यों? कि जीवन समाज व्यवस्था से जितना ज्यादा जुड़ करके रहता है उतना दोनों पक्ष में लाभ होता है, ये स्वाभाविक व्यवस्था है। लेकिन धीरे धीरे उस सोशल नेटवर्किंग शब्द का इतना विकृति आ गई टेक्नोलॉजी के कारण कि अब सोशल नेटवर्किंग हमारा व्हाट्सएप कर रहा है, ये सोशल नेटवर्किंग उस सोशल नेटवर्किंग की कल्पना से एक प्रकार की विकृति है। आप पहले हम अपने दोस्त को जन्मदिन है तो सुबह चले जाते थे, जरा सरप्राइज देने का मजा आता था, अब क्या रात को 12 बजे भी टेक्नोलॉजी को बता करके देते हो, टेक्नोलॉजी ही व्हाट्सएप कर देती है, मैं सो जाता हूं। अब ये जो जीवन की जगह प्राण तत्व को अगर टेक्नोलॉजी हड़प कर लेगी तो फिर जिंदगी हमारी बहुत शुष्क हो जाएगी, और इसलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग भी होना चाहिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं होने चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी हर पल बदलती जा रही है, आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हर नई टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए, जानना चाहिए, समय निकाल करके औरों को पूछना चाहिए क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। इसकी भी रुचि विद्यार्थी काल में हमने डेवलप करनी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं व्यक्ति के जीवन में कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी के प्रति मेरा जो आकर्षण रहा, टेक्नोलॉजी में मुझे आता कुछ नहीं है लेकिन जानने का शौक रहा क्या है भाई, किसी किसी को सुनता हूं तो पूछता हूं, हवाई जहाज में मेरे बगल में कोई बैठा हो, अब तो वो मौका नहीं मिलता है क्योंकि अब तो सरकारी व्यवस्था में फंसा पड़ा हूं, लेकिन पहले जहाज में जब जाता था तो मैं कोई बगल में किसी है तो पूछता था, अरे भाई ये क्या चीज है आपके पास, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे होता है, क्यूरियोसिटी मेरे मन में रहती है और मुझे उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैं भी आपसे चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन के विकास में एक साथी के रूप में जोड़ दीजिए आप, लेकिन जिंदगी का हिस्सा टेक्नोलॉजी मत बनने दीजिए, जिंदगी का हिस्सा। और इसके लिए आपने देखा होगा आजकल परिवार में 3 लोग हैं, सभी 3 कोने में बैठे हैं, हर कोई मोबाइल में बिजी है। 2 काम आप कर सकते हैं, क्या करेंगे? करेंगे? मैंने काम तो बताया नहीं, क्या करोगे? देखिए, 1 काम आप जीवन में तय करेंगे पर डे, इतना समय मेरा 1 घंटा 2 घंटा केयरफुल, जो मैं खाली हूं लेकिन मैं अपने आप को टेक्नोलॉजी से दूर रखूंगा पर डे 1 घंटा 2 घंटा टेक्नोलॉजी फ्री आवर। क्या कर सकते हैं आप? कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं, मैं, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरा बगीचा, मेरे घर में अगर कुत्ता है तो कुत्ता, जो भी है, बिल्ली है तो बिल्ली, जो भी है, ये 1 घंटा मैं तय करूं नो टेक्नोलॉजी। ऐसा कर सकते हैं क्या? जिस परिवार में 2-3 कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार है, उनके लिए तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन 2-3 कमरे हैं, क्या आप तय कर सकते हैं मां बाप से आज बैठ करके वापिस जाने के बाद कि घर के अंदर
एक कमरा ऐसा तय करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को नो एंट्री, उस कमरे में जो ही आएगा बिना टेक्नोलॉजी बैठेंगे। आप जरा करके देखिए, जिंदगी बहुत नए अनुभव वाली हो जाएगी। तो एक प्रकार से मैं टेक्नोलॉजी के अतिशय महात्मा भी देता हूं, एट द सेम टाइम मेरे भीतर का इंसान रोबोट न बन जाए इसकी भी चिंता करता हूं, और इसलिए दोनों को बैलेंस बना करके चलने के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मान्यवर, आपके सानिध्य को पाकर हम जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे, आपका धन्यवाद। उगते सूरज का प्रदेश अरुणाचल, यहाँ के जीएनवी पापन पारे से तापी अकु सभागार में उपस्थित है, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अकु, अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, very warm greeting from the land of rising sun, Arunachal Pradesh. I am Tapi Aku, studying in standard 12 from JNB Papum Pare, Arunachal Pradesh. Pradhan Mantri ji, aapne parliament mein adhikaron aur kartavyon par bhashan diya tha, wo mujhe bahut pasand aaya. Aapke anusar desh ke kartavyon ke prati hum kaise sajag bana sakte hain? Dhanyawad. Dhanyawad Aku, for a question similar to this one. We have with us Shailesh Kumar from KV Gill Nagar, Chennai. He's a class 11 student from Tamil Nadu, a state famed for its heritage temples. The next question is from him. Could we have the question, please? Namaskar, sir. My name is P. Shailesh Kumar. I am a student of class 11 studying in Kendra Vidyalaya, Gill Nagar, Chennai. Sir, being a student, what are my rights and what duties I need to perform? Thank you. थैंक यू शैलेश। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और भी है। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व से गौरवान्वित गुजरात के महाराजा अग्रसेन विद्यालय से गुनाक्षी शर्मा इस साक्षात आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। गुनाक्षी, अपना प्रश्न पूछिए। सुप्रभात, मेरा नाम गुनाक्षी शर्मा है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात के महाराजा अग्रसेन विद्यालय में पढ़ती हूँ। माननीय, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैंने सिविक्स में नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कृपया बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद गुनाक्षी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आग्रह है कि शैलेश, गुनाक्षी एवं अकु की नागरिक कर्तव्यों के विषय का जिज्ञासा का समाधान करें। सबसे पहले तो ये सवाल मुझे अरुणाचल की बेटी ने पूछा है, और मैं स्वाभाविक मानता हूं कि अरुणाचल की बेटी के मन से ऐसा ही सवाल निकलेगा। आपके मन में होगा ऐसा क्यों? आप में से शायद कोई अरुणाचल गए होंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं। इस देश में अरुणाचल एक प्रदेश ऐसा है कि जो एक दूसरे को जब मिलते हैं तो जय हिंद करके ग्रीट करता है। ये हिंदुस्तान में बहुत रेयर है। आपको कोई भी मिलेगा तो जय हिंद करेगा, और उसका कारण 1962 के वॉर के बाद अरुणाचल का जो मिजाज बना है, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा के सिवाय देश के अंदर जीवन में ज्यादा प्रचार के लिए अंग्रेजी में भी उतनी मास्टरी, हिंदी में भी उतनी मास्टरी की है। आप वहां के बच्चों को मिलोगे तो आपको लगेगा, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि कभी न कभी वैकेशन में दौरा करने का मन करे तो आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। जाएंगे? नहीं, पहले तो सिंगापुर जाएंगे, फिर दुबई जाएंगे, हैं, उसके बाद मौका मिला तो जाएंगे, ऐसा करेंगे ना?
हमारा देश सचमुच में अद्भुत है, अनुभव करने जैसा है। मैं आज यहाँ जब आया तो अलग अलग बच्चों के जो पेंटिंग थे वो मुझे बता रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा कि बच्चे अपनी मातृभाषा के सिवाय किसी दूसरी भाषा में अपना परिचय करवा रहे थे। महाराष्ट्र की बच्ची उड़िया भाषा में परिचय करवा रही थी, देहरादून की बच्ची मलयालम भाषा में परिचय करवा रही थी। क्यों? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो एक हम लोगों का काम चल रहा है उसको लेकर के इन सब बच्चों ने कोशिश की है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, अपनी मातृभाषा, फिर अंग्रेजी भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके सिवाय हमारे देश में इतना समृद्ध खजाना है, कोई न कोई एक भाषा से परिचय करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। अब विषय आया है कर्तव्य। एक तो अधिकार और कर्तव्य, ये साथ साथ जो बोला जाता है वहीं से गड़बड़ हो जाती है। यानी अधिकार भाव कोई एक व्यवस्था है, कर्तव्य भाव को दूसरी व्यवस्था है। जी नहीं, हमारे कर्तव्य में ही सबके अधिकार समाहित है। अगर मैं टीचर के नाते अपना कर्तव्य निभाता हूं तो विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती? तो फिर अधिकार और कर्तव्य का झगड़ा नहीं रहता है। महात्मा गांधी बहुत आग्रहपूर्वक कहते थे कि मूलभूत अधिकार नहीं होते हैं, मूलभूत तो कर्तव्य होते हैं, और अगर ईमानदारी से हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो फिर किसी को अपने अधिकार के लिए कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अधिकार उसमें संरक्षित ही होंगे। दूसरा, कभी कभी हम कुछ दायित्व निभाते हैं, जैसे परिवार में माता पिता अपना दायित्व संभालते हैं, बच्चा अपना दायित्व संभालता है, अड़ोस पड़ोस के लोग अपना दायित्व संभालते हैं, लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं होती है। इतना बड़ा विशाल देश, एक राष्ट्र के रूप में हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए कि नहीं निभाने चाहिए? निभाने चाहिए कि नहीं निभाने चाहिए? अगर देश को आगे ले जाने के लिए कुछ करना है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब जैसे 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं, अब आजादी के 75 साल हो रहे हैं और 2047 आजादी के 100 साल होंगे। आपने कभी सोचा है कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब आप कहां होंगे? आप किसी न किसी व्यवस्था में लीडरशिप देते होंगे। लीडरशिप मतलब मेरा वाला काम नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। क्रिकेट का एक कैप्टन भी लीडरशिप देता है, कबड्डी का एक कैप्टन भी लीडरशिप देता है, कारखाने में 200 मजदूरों के साथ काम करने वाला भी लीडरशिप देता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब आज जो मेरे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं वे उस समय देश में लीडरशिप की पोजीशन में होंगे। अब आप सोचिए कि जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, आप लीडर होंगे, उस समय लीडरशिप के समय आपको बिल्कुल टूटी फूटी फालतू व्यवस्था मिल जाए और फिर आपको कहे लीडरशिप करो तो अच्छा रहेगा क्या? तो मजबूत व्यवस्था चाहिए कि नहीं? मजबूत व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जो भी देश मजबूत बनेगा तो किसके काम आएगा भाई?
आज जो 80-90 साल वाला है उसके काम आने वाला है क्या? नहीं आएगा। देश का अगर पर्यावरण की रक्षा होती है तो किसके काम आएगा? देश के अंदर संसाधनों का सदुपयोग होता है तो देश के काम आएगा। देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो किसके काम आएगा? इसका मतलब यह हुआ, मानो 2022 आजादी के 75 साल है, इस देश के लिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी गुजार दी थी। किस लिए? देश आजाद बने। आजाद मतलब झंडा बदले इतना थोड़ा है, हम आत्मनिर्भर बने, हमारा आत्मगौरव बढ़े, हम आत्मसम्मान से जिए। मैं इसके लिए कौन सा कर्तव्य निभा सकूं जो इस भाव को मजबूत करता है? उन कर्तव्यों का मुझे पालन करना चाहिए। जैसे क्या मैं तय कर सकता हूं कि 2022 आजादी 75 साल होते हैं, मैं और मेरे परिवार में हम जो भी कुछ खरीदना होगा हम लोकल खरीदेंगे, मेक इन इंडिया चीज ही लेंगे। अगर बिल्कुल हमारे देश में उपलब्ध ही नहीं है तो ठीक है, बाहर से लाएंगे। मुझे बताइए, कर्तव्य हुआ कि नहीं हुआ? देश का भला होगा कि नहीं होगा? देश की इकोनॉमी को ताकत मिलेगी नहीं मिलेगी? लेकिन अगर हम रेडीमेड चीजें लाएंगे, क्रैकर भी बाहर से ला करके धमाका करेंगे तो क्या होगा? तो हमारे अपने आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत ही जागरूक होते हैं, स्वच्छता के विषय में बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं, पूरे घर की सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद क्या करते हैं? बाहर निकल के देखते हैं पड़ोसी वाला सोया है कि जागता है, और धीरे से वो कूड़ा कचरा वहां छोड़ देते हैं। अब उन्होंने अपना कर्तव्य तो पूरा किया, लेकिन सचमुच में देश हित के लिए कर्तव्य किया क्या? नहीं किया। फिर वो सुबह जब उठेंगे तो वो देखें, अच्छा ये आज जल्दी उठ करके डाल गए हैं, वो उठा करके यहां डाल देंगे। स्वच्छता होगी नहीं, कूड़ा कचरा इधर से उधर होता रहेगा। क्यों? एक राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए मेरी जो जिम्मेवारी है उसको निभा नहीं रहा। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। मैं घर में अगर बिजली फालतू में नहीं जलने देता हूं, पानी को नहीं जाने देता हूं, मैं बिना टिकट कभी ट्रेन में सफर करने वाले को स्वीकार नहीं करता हूं, बहुत सी चीजें हैं जो जीवन में एक एक हिंदुस्तानी करे तो देश बहुत तेजी से बदल सकता है। और इसलिए एक नागरिक, ये बात सही है कि इन दिनों सिलेबस ऐसे बदल गए हैं और उतने सिलेबस का बढ़ चढ़ करके हो गया है कि शायद जो हम लोग जब पढ़ते थे तब नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था, शायद अब वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे, अपने लिए भी उपयोगी होगा, समाज जीवन के लिए भी उपयोगी होगा, और उसके लिए हमारे प्रयास साथ साथ में। और आपने देखा होगा, नई पीढ़ी एयरपोर्ट पे देखोगे क्यों खड़ी है, तो नई पीढ़ी क्यों तोड़ती नहीं है, और एकांत व्यक्ति अगर क्यों तोड़ता है तो सारे लोग गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो अपनी डिसिप्लिन का कर्तव्य निभाता है। यही समाज जीवन में अगर स्वभाव बन जाता है तो देश का बहुत भला होगा। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर सर फॉर योर गाइडेंस। माननीय, आंध्र प्रदेश के एटीपाक स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 10वीं के छात्र चावेद पवार आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? नमस्कार सर, माय नेम इज चावेद पवार, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 जवाहर नवोदय विद्यालय ईस्ट गोदावरी 2 एटपाक। माय क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी ओवरकम द प्रेशर दैट कम्स फ्रॉम बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन? धन्यवाद चावेद। हमारे बीच है जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवाबाद के कक्षा 11वीं की छात्रा करिश्मा, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहती हैं। करिश्मा, अपना प्रश्न पूछिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं करिश्मा रैना, कक्षा 11वीं की छात्रा, जम्मू कश्मीर के गर्ल्स नवाबाद स्कूल से हूँ। मेरा अगले वर्ष बोर्ड एग्जाम है,
मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पेरेंट्स की कुछ ऐसी उम्मीदें हैं मुझसे कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और अपनी सफलता पाऊं। तो मेरा सवाल ये है कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ और मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कैसे कर सकती हूँ, तो और इससे जो स्ट्रेस होता है उससे कैसे बाहर आ सकती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू करिश्मा। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ से डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भगवानपुर गांव की कक्षा 12वीं की छात्रा मोनिका बायगा उत्सुक हैं प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। मेरा नाम मोनिका बैगा है। मैं डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जनकपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभिभावक परीक्षा के समय बच्चों से किस तरह बर्ताव करें ताकि परीक्षा के दबाव और चिंता से बच्चे दूर रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका। महोदय निवेदन है कि जम्मू की करिश्मा, आंध्र की जावेद, छत्तीसगढ़ की मोनिका के परीक्षा के तनाव से संबंधित समस्या का समाधान करें। ये सवाल आप लोगों के लिए है कि आपके माँ बाप के लिए है? आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं वो आज मोदी जी सुना दे? मैं जरूर चाहूंगा कि मैं जो बात बताता हूं किसी भी पेरेंट्स को या गार्डियंस को, मैं कोई प्रेशर करना नहीं चाहता हूं, मैं कोई दबाव डालना नहीं चाहता हूं और न ही मैं उनके बच्चों को बिगाड़ना चाहता हूं कि उनके माँ वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करने की आदत बना दे, ऐसा भी नहीं चाहता। ये बात सही है कि हमने देखा होगा वो स्टील का अगर स्प्रिंग होता है, अगर स्प्रिंग एक सीमा तक खींचते रहोगे तो उसका उपयोग है, लेकिन बहुत ज्यादा खींच दिया तो क्या होगा, तार बन जाएगा, फिर वो स्प्रिंग का काम करेगा क्या? माँ बाप ने भी ये सोचना चाहिए, टीचर्स ने भी सोचना चाहिए, कैपेबिलिटी कितनी है ये माँ बाप को टीचर को अंदाज होना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसलिए मेरी माँ बाप को तो यही सलाह है कि आप कितनी भी बड़ी आयु के क्यों ना हुए हो, आपके बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हुए हो, आप हर पल खुद के लिए, बच्चों के लिए नहीं, खुद के लिए मन में भाव कीजिए कि आप जब आपके बच्चे 2 साल के, 3 साल के थे, 4 साल के थे, तब माता पिता के रूप में आप उनके साथ कैसे व्यवहार करते थे? आप चाहते थे कि बच्चा चले तो क्या करते थे, दूर खड़े रह करके उसको आओ 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 ऐसा करते थे ना, चलो दौड़ो देखो देखो, ये करते थे कि नहीं करते थे? फिर वो बच्चा दौड़ता था कि नहीं दौड़ता था? कोई दबाव डालते थे क्या, हाँ ऐसे पकड़ करके चल, ऐसा करते थे क्या? नहीं करते थे। आप उसको प्यार से प्रेरित करते थे, उत्साहित करते थे, उसके अंदर की ताकत को जगा था। अच्छा मान लो चलते चलते गिर जाता था तो क्या करते थे, चाटा मार देते थे, आधे घंटे से मैं कर रही हूं और तुम चलते भी नहीं गए, फिर गिर गए, कितनी बार खड़ा करो, ऐसा करती कोई माँ? नहीं करती। अरे वाह शाबाश, ताली बजाती है, बच्चा गिर जाए और माँ ताली बजा रही है। कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो देखो कैसी माँ है जा रही है, लेकिन उस मां को मालूम है कि अभी चलते चलते गिरा है, मुझे उसको उत्साह। मैं मां बाप को यही कहूंगा कि आप बच्चे बड़े हो गए हैं ये स्वीकारिए, ऐसा नहीं कि अब भी तो 3 साल का है भले 12वीं में पढ़ता है, ऐसा भी नहीं, बच्चा बड़ा है वो स्वीकार कीजिए, लेकिन खुद को आप जब वो 3 साल के 4 साल के बच्चे थे तब जो आपकी साइकी थी उनको मदद करने की, उसको जीवन भर जिंदा रखिए। उसको कभी मरने मत दीजिए। जिस परिवार में
माँ बाप की ये सोच होती है कि मैं मेरे बच्चों में उनको जहां जाना है जैसे जाना है रास्ता अगर सही है तो मैं हमेशा प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करूं। परस्यू करना चाहिए, प्रेशर नहीं करना चाहिए। अब परस्यू और प्रेशर के बीच में बहुत ही नैरो लाइन है, ये बैलेंस कैसे बनाना, और इसके लिए मैं बच्चों से भी आग्रह करूंगा और मां बाप से आग्रह करूंगा कि वो कभी जिनके साथ बच्चे कंफर्ट है उनको कभी कहिए कि वो समय निकाल के आपके घर आए, दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाचा चाची हो, कोई एक टीचर हो, उनको कहिए जरा घर पे आइए चाय पीने के लिए, और धीरे से बच्चे को उसके साथ छोड़ दीजिए और आप दूसरे कमरे में चले जाइए, और टीचर को बता, उस गार्डियन को बता के रखिए कि उससे बातें करें, खुल करके बातें करें, वो उसमें से खोजे, और फिर वो उसके माँ बाप को बता दे अकेले में कि मैं आज उससे आधा घंटा बात की, ये उसके मन में चल रहा है, आप लोगों को इसको एड्रेस करना चाहिए। अगर ये थोड़ा मैकेनिज्म बन जाए, पहले ये मैकेनिज्म था क्योंकि जॉइंट फैमिली थे घर में, और भारत का बच्चा सुपर पॉलिटिशियन होता है, उसको अगर सिनेमा देखने के लिए जाना है उसको मालूम है पप्पा मना करेंगे तो दादी के पास जाएगा, उसको मालूम है कि नए कपड़े लाने हैं माँ मना करेगी तो पापा के पास जाएगा, उसको बराबर मालूम रहता है घर में किससे क्या करना है, ये क्षमता उसके अंदर आ जाती है। उस बालक को माँ परिवार में भी इसी रूप में किया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित ही न करें, नहीं भी मोदी जी ने कहा था ज्यादा इंटरफेयर मत करो, ऐसा नहीं, आप उसको जानो, जान करके उसको जताओ कि देख तेरे अंदर ये ताकत पड़ी हुई है, तेरे में ये विशेषता है, तुम इसको क्यों उपयोग नहीं करते हो, देखो कोशिश करो। जितना ज्यादा प्रोत्साहित करोगे उतना परिणाम ज्यादा मिलेगा, जितना प्रेशर करोगे उतनी समस्या को बल मिलेगा। अब माँ बाप को तय करना है, टीचर को तय करना है कि हमें समस्या को बल देना है कि प्रोत्साहित करके उसको ही शक्ति में परिवर्तित करना है। मैं रास्ता चुनूंगा प्रोत्साहित करना, हर बालक की शक्ति को उजागर करना, उसको प्रोत्साहित करना, इसी को मैं बल दूंगा। थैंक यू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर फॉर बीइंग अ फ्रेंड एंड मेंटर। वी होप आवर पेरेंट्स आर वाचिंग दिस प्रोग्राम। प्रेरणा मनवर, Class 12 student, comes from a city well known for its UNESCO heritage caves. She studies in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kannad, Aurangabad, and joins us with her question. Could we have the question, please? Good morning, sir. My name is Prerna Manwar. I am a student of Class 12 Science from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kannad, Aurangabad, Maharashtra. Sir, my question to you is, my parents always say that I should wake up early in the morning for studying, but I am a night owl. I can't wake up early in the morning. Sir, what should I do? Thank you, sir. धन्यवाद प्रेरणा। इससे मिलता जुलता एक सवाल और भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं के छात्र स्टैनजिन नोरबू इस सभागार में उपस्थित हैं तथा मान्यवर से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। स्टैनजिन, अपना प्रश्न पूछिए। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज स्टैनजिन उबू। आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास एंड माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किरुबुजन एंड आई एम फ्रॉम लेह लद्दाख। सर, माय क्वेश्चन इज, इन योर ओपिनियन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी? इज इट अर्ली मॉर्निंग और द लेट नाइट? कैन यू सजेस्ट अस? धन्यवाद स्टैनजिन। ऐसा ही एक और प्रश्न। अगले प्रश्न हेतु मैं जवाहर नवोदय विद्यालय त्रिपुरा के छात्र शुभाशीष चाकमा को बुला रही हूँ। शुभाशीष, कृपया अपना प्रश्न पूछें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, गुड आफ्टरनून, दिस इज शुभाशीष चाकमा ऑफ क्लास 11 स्टार्टिंग एट जवाहर नवोदय विद्यालय अंडर शिलोंग रीजन। सर, एक्चुअली माई एल्डर सिस्टर यूज टू स्कोल्ड मी ऑलवेज बिकॉज आई ऑफन गो फॉर लेट नाइट स्टडी and cannot wake up early in the morning.
Sir, my question is, am I doing something wrong? Please tell me, sir, what do you say? Thank you. धन्यवाद शुभाशीष, मान्यवर, प्रेरणा, स्टैंसन व शुभाशीष पढ़ने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? आपसे जानना चाहते हैं। इतना निर्दोष सवाल मुझे पूछा गया है। इस सवाल से मेरे मन में एक और विचार आया। विचार ये आया, इस सवाल का मतलब है कि परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम सफल है। और इससे ये भी पता चलता है कि हमारे शिक्षकों के लिए, शिक्षा जगत के लोगों के लिए, कि हमारी युवा पीढ़ी को नजदीक में ऐसे सवालों के जवाब के लिए कुछ कमी महसूस हो रही है, कोई वैक्यूम महसूस हो रहा है। मैं चाहूँगा सभी अभिभावकों से, सभी टीचर से, कि आपके छात्रों के बीच आपका ऐसा नाता रहना चाहिए कि ऐसी छोटी छोटी समस्याएं भी वो आपको खुल करके कहें। जितना ज्यादा उनके अंदर खुलापन आएगा उतना उनके स्वस्थ विकास में बहुत काम आएगा। तो मैं इन सारे नौजवान साथियों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण, फिर भी कुछ लोग उनको कहे यार तुझे मौका मिला तो यही सवाल पूछ लिया क्या। लेकिन मैं इसको बड़ा महत्व देता हूं और मुझे संतोष है कि इन बच्चों ने मुझको अपना माना और जो बात अपनी माँ से, अपने पिता से पूछ सकते हैं, बड़ी बहन से पूछ सकते हैं, वो आज उन्होंने मुझे पूछी। इस अपनेपन का आनंद कुछ और ही होता है जो मैं आज अनुभव कर रहा हूँ। अब इसका जवाब देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि रात को जागना कि सुबह जागना, ये इशू है। अब मैं 50% तो अधिकारी हूं बोलने के लिए, लेकिन 50% नहीं हूं। 50% इसलिए अधिकारी हूं क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूं, इसलिए मुझे बोलने का हक बनता है। लेकिन 50% इसलिए नहीं हूं कि अब मेरी ड्यूटी ऐसी बन गई है कि रात को जल्दी सो नहीं पाता हूं। और इसलिए जो आदर्श व्यवस्था है उसका आधा तो परिपालन में करता हूं, लेकिन आधा वह नहीं करता हूं। और जब मैं खुद नहीं करता हूं तो मैं कोई मॉरल अथॉरिटी के रूप में आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन आप भी जानते हैं कि दिन भर का काम, थकावट, अलग अलग मन के अंदर कुछ घटनाएं, पूरा दिन बीतता है, ये चीजें धीरे धीरे जुड़ जाती हैं और होते होते आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका माइंड, आपकी मनस्थिति कितनी एंगेज होगी शाम के समय। और रात को अगर आप पढ़ने के आग्रही हैं तो सोचिए क्या सचमुच में आपका बिल्कुल मन एकदम खाली होगा क्या? नहीं होगा। प्री ऑक्यूपाइड बहुत सी चीजें होगी, बहुत सी चीजें भरी पड़ी होगी और दिन भर की घटनाएं होगी तो उसका एक्शन रिएक्शन भी मन में चलता होगा। और इसलिए संभव है कि रात को आप उतना फोकस न कर पाते हो, संभव है, सबके लिए सत्य नहीं हो सकता। लेकिन यह सत्य है कि गहरी नींद के बाद, और मैं तो नहीं कहूंगा कि 3 बजे उठ करके पढ़ो वरना फिर आप माँ को उठाओगे, माँ 3 बजे उठना है, चाय पिला दो लेकिन एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसा मन भी होता है। अब आप सोचिए उस समय जो आप पढ़ेंगे वो ज्यादा रजिस्टर होगा कि नहीं होगा। और इसलिए हमारे यहाँ अनुभव से ऐसा माना गया और दुनिया में भी शायद माना गया है, मेरे पास कोई
साइंटिफिक एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन जो माना गया है और जिसमें मेरा भी विश्वास है कि सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर विद्यार्थियों का प्रॉब्लम ये है। जरूरी नहीं है कि आपको रात को पढ़ना है या सुबह पढ़ना है, हर एक की अपनी विशेषता होती है, अपनी आदतें होती हैं और आप जिसमें कंफर्ट हो वही करो। सिद्धांत है कि सुबह ठीक रहता है, लेकिन फिर भी अगर वो आप कंफर्ट नहीं है तो फिर काहे परेशान हो भाई, रात को पढ़ लो, वरना फिर क्या होगा, रिजल्ट जब आएगा तब आप दीदी को बताओगे कि तेरे कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्यों क्यों तुम मुझे रात में पढ़ने नहीं देती थी, सुबह पढ़ने के लिए कह रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात है, ज्यादातर विद्यार्थियों के जीवन में क्या होता है, हो सकता है आप लोगों के जीवन में ना होता हो, लेकिन मैं जब पढ़ता था तब हम सभी साथियों के अंदर होता था, आपका होता है तो नहीं होता है तो मैं कोई जजमेंट नहीं ले सकता। वो क्या, जब स्कूल शुरू होती थी, रिजल्ट जब आता था तो मन में तय करते थे कि अगली बार स्कूल शुरू होते ही पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बाद बस अगले महीने शुरू करूंगा, बस आप फर्स्ट एड हो जाने के बाद करूंगा। दूसरा क्या करते हैं, नहीं आज तो रात को ही पढ़ना है, मम्मी खाना बहुत हैवी मत बनाना, नींद आ जाए ऐसा खाना मत बनाना, बस पास्ता वगैरह चल जाएगा। माँ को भी लगता है चलो इसको पढ़ना है रात को, तो जो चाहता है पिज्जा चाहिए तो पिज्जा, पास्ता चाहिए तो पास्ता, पानी पूरी चाहिए तो पानी, गोलगप्पे चाहिए गोल, जो देख बच्चे को पढ़ाना है ना माँ बना देती है। फिर मन करता है माँ आज मजा नहीं आ रहा है, ऐसा करो माँ सुबह 6 बजे उठा देना, तो फिर हम सुबह माँ बेचारी 5 बजे उठ करके तैयारी करती है कि संतान अपनी सुबह उठ करके पढ़ना चाहती है तो उसको क्या चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दूध चाहिए, सब तैयारी करती है। और फिर हम 6 बजे ना, माँ रात को नींद नहीं आई थी तो फिर अब तो आज नहीं, आज रात को पढ़ूंगा, यही होता है ना। कभी माँ को रात को जगा देना, कभी माँ को सुबह जगा देना, और कभी परिवार को ही, और हम अपना टाइम टेबल बदलते जाना। देखिए मैं समझता हूं ये अपने साथ अन्याय होता है। मुसीबत रात को पढ़े या सुबह पढ़े उससे ज्यादा मुसीबत ये है कि हम पढ़ने के बहानों के बजाय न पढ़ने के बहाने खोजते रहते हैं और वो बोझ पूरा परिवार पर डाल देते हैं। अगर हम उन चीजों को अपने पर लेंगे और उसमें से आदत बदलेंगे तो जरूर लाभ होगा। मेरा स्वयं का अनुभव है, आपने कभी सूर्योदय के समय पंखियों की आवाज, बर्ड्स की आवाज, और सूर्यास्त के समय बर्ड्स की आवाज गौर से सुना है किसी ने, कितने है सुना है? गौर से, दोनों में अंतर होता है। सूर्योदय के समय बर्ड्स की आवाज अलग होती है, उसका सुर भी अलग होता है, स्वर भी अलग होता है, और सूर्यास्त के समय भी आवाज करते हैं, आपने देखा होगा 3-4-5 मिनट एकदम से आवाज आना शुरू हो जाती है, दोनों में फर्क होता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति का कोई ना कोई प्रभाव तो होता ही है। अगर हम इस प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर के जीवन को जिएंगे तो प्रकृति के साथ संघर्ष टालना चाहिए। प्रकृति स्वयं आपको मदद करेगी, आपको आगे ले जाने में मदद करेगी, और इसलिए समय की पसंद, परिस्थिति की पसंद में जहां पर एनवायरनमेंट का सवाल है, प्रकृति का सवाल है, हमने प्रकृति के अनुकूल समय खोजना चाहिए। थैंक यू।
Thank you, Prime Minister, sir, for your enlightenment. Honorable Prime Minister, sir, Shaikha Khan from Indian School Dar es Salaam joins us from Tanzania to ask a question. Could we have a question, please? Good morning, sir. I'm Shaikha Khan of Indian School Dar es Salaam, Tanzania. At times, we go blank after receiving a question paper. How do we overcome such a situation? Thank you, sir. Thank you, Shaikha. Manivar, Shobhit Rastogi, Kendra Vidyalaya Sector 4, R.K. Puram, New Delhi, ke kaksha 12 ke chhatra hain, aap se kuch poochna chahte hain. Shobhit, apna prashn poochiye. Suprabhat, Manivar. मैं शोभित रस्तोगी केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 4 आर के पुरम नई दिल्ली के कक्षा 12वीं का छात्र हूं। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से हूं। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर भूलने लगते हैं। इसके कारण मैं काफी तनाव में होता हूँ। इस चीज के लिए आप मेरी मदद करें। धन्यवाद शोभित। मान्यवर, शायखा और शोभित परीक्षा के समय सब कुछ भूल जाने की समस्या से त्रस्त हैं। हमारी भी कुछ ऐसी ही दशा होती है। कृपया कर मार्गदर्शन कर कृतार्थ करें। आपने सही पूछा है, ज्यादातर विद्यार्थियों के ये पल आता ही आता है जब बैठते हैं और जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो थोड़ा समय तो ऐसा जाता ही जाता है। लेकिन मैं थोड़ा मजाकिया स्वर में कुछ बात बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि आपका बड़ा भाई, आपके पिताजी, घर में स्कूटर है और स्कूटर लेकर के कहीं जाना है और सुबह उठ करके वो किक मार रहे हैं लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। है ऐसा दृश्य देखा होगा आपने? देखा होगा कि सब गाड़ी वाले हैं लेकिन आपने तब देखा होगा एक बड़ा करावत है, वो पेरेंट्स या भाई जो भी है क्या करेगा, स्कूटर को इधर करेगा उधर करेगा, करता कि नहीं करता है? स्कूटर को हलाता है। अब दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी है क्या कि हिलाने से शुरू होता है स्कूटर? नहीं है। लेकिन उसको लगता है कि जरा ऐसा करूंगा तो वो खुद को तैयार करता है और फिर किक लगाता है, स्कूटर चल भी पड़ता है। ये एक दो मिनट जो ये करता है वो क्या है, साइंटिफिक है क्या? नहीं है। लेकिन करीब करीब सब लोग करते हैं, जिन्होंने भी स्कूटर चलाया है वो पक्का ये करते हैं। अगर नहीं चलता है तो स्कूटर को हिला देते हैं। साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन करते हैं और काम हो भी जाता है। आपने देखा होगा आजकल तो टीवी पर गेम्स का काफी कुछ कार्यक्रम रहते हैं तो बच्चे देखते भी हैं और अच्छी भी चीज है। लेकिन आपने देखा होगा टेनिस का खिलाड़ी होगा, कितना भी यानी ओलंपिक प्लेयर होगा, वो भी जब टेनिस के टेबल के पास आता है तो क्या करता है, सामने बॉल नहीं है लेकिन फिर भी यूं यूं करता रहता है, करता कि नहीं करता है? एक दो मिनट करता है वो। बाद में सामने वाला भी ऐसे ही करता है, बॉल नहीं है लेकिन दोनों एक जैसे खेल रहे ऐसा करते हैं वो। उसी प्रकार से आपने क्रिकेट में देखा होगा, कितना ही सक्सेस जिसका बैट्समैन का है वो भी जब पवेलियन से लेकर के पिच पर जाता है तो वहीं पर अपना बैट हिलाएगा, जैसे यू करेगा, जैसे अभी बॉल को मार रहा है ऐसा करेगा, करता ही नहीं करता है? वहां बॉल नहीं है, खेल नहीं है, अभी तो पिच पे करता है वो। जब वहां पहुंचता है तो वहां भी वो बैट को एडजस्ट करता है, थोड़ा एक दो ऐसे ट्रायल लेता है, बॉल तो अभी आया नहीं, मैच शुरू नहीं हुआ है लेकिन वो करता है। क्यों? उसको कंफर्ट जोन मिल जाता है। बॉलर भी आपने देखा होगा हाथ में बॉल नहीं है फिर भी वो दूर ऐसे ही बॉलिंग कर रहा है, ऐसे दौड़ता है, बॉल फेंकता है, बॉल है नहीं कर रहा है। दो तीन पांच मिनट आपको हर बार गेम में दिखता होगा, ये क्या है? खुद को एक कंफर्ट जोन में लाने का हर एक ने ढूंढा हुआ अपना तरीका है। आपने भी क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिए, बस
आप भी अच्छा सही इतना ऐसा है ठीक है पेन ठीक है थोड़ा ऐसे ही दो एक एक आध मिनट ऐसे ही निकाल दीजिए बड़े तनाव में बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है अगर ये कर लिया दूसरी बात है कि आप बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं आत्मविश्वास लेकर के जाना है जितना आत्मविश्वास भरा हुआ होगा आप बहुत सरल और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके टीचर ने यह न समझाया हो कि भाई 10 सवालों का जवाब देना है तुम्हारे पास 1.5 घंटा है तो ऐसा करो सबसे सरल है उसको पहले से लेकर उसका जवाब दे दो ताकि कम समय में काम ऐसा ही कहते हैं ना ऐसा ही सिखाते हैं ना 1, 2, 3, 4 कोई नहीं कहता है छठे नंबर का सवाल ठीक लगता है तो पहले छठे का कर लो ताकि बाद में समय बच जाए मैं भी आपसे कहूंगा कि हम एक बार सरल चीज को हाथ लगाएंगे तब तक आप एकदम से उसके साथ एकमस्ट हो जाते हैं एकस्टम हो जाते हैं तो आप बड़ी सरलता से चीजों को चलाते हैं और इसलिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है एग्जाम को जिंदगी में बोझ कभी बनने मत देना अगर ये कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको जो 2 मिनट शुरू में जाती है गड़बड़ कर जाती है दूसरा अगर फोकस एक्टिविटी है तो कठिनाई बहुत कम रहती है कभी कभी क्या होता है मन भटकने लगता है फिर लगता है कि ये क्या कर रहा है अच्छा उसने पहला सवाल उठाया छोड़ो अगल बगल में कौन करता है आपको क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए 1 मिनट में आपके पास गाड़ी चलना लग जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा धन्यवाद महोदय आपके प्रेरक वचन हम सब के लिए प्रेरणा के सूत्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के कक्षा 12वीं विज्ञान के छात्र अभिषेक कुमार गुप्ता हमारे बीच हैं और अभिषेक आपसे अपना प्रश्न का समाधान चाहते हैं अभिषेक कुमार गुप्ता अपना प्रश्न पूछिए नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है और मैं कक्षा 12वीं से सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल वाराणसी का विद्यार्थी हूँ मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि मुझे और मेरे कुछ साथियों को अपनी क्षमताओं के विषय में एवं करियर ऑप्शंस को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है जब इस बारे में सोचते हैं ना सर कुछ समझ ही नहीं आता हम पढ़ाई में तो अच्छे हैं सर पर भविष्य की योजनाओं को लेकर अब तक कुछ तय नहीं किया सर कृपया हमारा मार्गदर्शन करें धन्यवाद थैंक यू अभिषेक महोदय इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है इसी श्रृंखला में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं बिहार से जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा जूली सागर जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अपना प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक हैं मे वी हैव द वीडियो प्लीज नमस्कार मैं जूली सागर वर्ग 11 विज्ञान जवाहर नवोदय विद्यालय देवती शारण बिहार की छात्रा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि हम छात्रों की छिपी क्षमता का आकलन कैसे कर सकते हैं धन्यवाद महोदय धन्यवाद जूली महोदय एक और प्रश्न इसी से मिलता जुलता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर आयरिन डोमिनिक ऑफ क्लास 9th फ्रॉम कार्मल पब्लिक स्कूल केरला इज हियर विद अस एंड सीक्स योर गाइडेंस Irene, अपना प्रश्न पूछिए। Good afternoon, Honorable Prime Minister. I am Irene Dominic, studying in class 9 of Carmel Public School and I am from Kerala. My question is, we have to choose a right career. So, how will we realize our inner potential? Kindly guide us, sir. Thank you. Thank you, Irene. माननीय महोदय, जूली, अभिषेक और आयरिन अपनी प्रतिभा वह जीवन लक्ष्य के विषय में मार्गदर्शन चाहते हैं कृपया कृतार्थ करें सवाल बड़ा गंभीर सा है आपका क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है खुद को जानना मुझे एक पुरानी घटना याद है एक बार एक लायंस क्लब के लोगों ने मुझे स्पीच के लिए बुलाया था ये करीब 40 साल पुरानी घटना होगी और उन्होंने फिर चिट्ठियाई जैसा उनका रहता है
कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उस कार्यक्रम में मैं वक्ता था और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे, उनको भी चिट्ठी गई कि आप अपना परिचय भेजिए। तो उन्होंने कोई 10 पेज का अपना बायोडेटा भेजा था, उन्होंने कब काम किया। मुझे आया तो मैंने एक पोस्टकार्ड लिखा था कि आपने मेरे विषय में जानने के लिए कहा है, मैं खुद को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अभी कुछ बता नहीं पाऊंगा। और वहाँ मजा ये हुआ कि उनका परिचय पढ़ने में कोई 10 मिनट गया और मेरा परिचय पढ़ने में 10 सेकंड भी नहीं गया। ये बात सही है कि खुद को जानना बहुत कठिन होता है, लेकिन जानने का तरीका क्या हो सकता है? जानने का तरीका ये होता है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, प्रोटेक्टिव लाइफ में से बाहर आते हैं, कौन सा कार्यक्रम है, और खुद को क्या कहीं ना कहीं चैलेंज मोड में ले जाते हैं, तब पता चलता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कईयों का ये करने की मेरी क्षमता या है या नहीं। दूसरा, हम ये सोच सकते हैं कि एक सप्ताह भर के अंदर हम देखें, अगर हम थोड़ी डायरी अपनी बना दें कि इस सप्ताह में मेरे मेरे मन से कौन से काम किए, फिर देखें कि उसमें सबसे ज्यादा आनंद आया वो काम कौन सा था, कम आनंद आया वो काम कौन सा था, अच्छा यार बेकार में मैं क्यों ये करने चला गया। आप अगर साल भर अपनी ऐसी डायरी मेंटेन करें तो आपको खुद को पता चलेगा कि मेरा एप्टीट्यूड ये है, मुझे ये अच्छा लगता है, इसको मैं ठीक से कर सकता हूं, और इसमें आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा अपने आप में। अब जैसे आज आपने देखा होगा कि आज हमारे, मैं डिपार्टमेंट के लोगों को बधाई देता हूं तो उन्होंने स्कूल के छात्रों को आज इस पूरे प्रोग्राम को संचालन करने का अवसर दिया और बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। अब संभावना है कि आज के बाद उनमें से किसी को विचार आएगा ये काम मैं कर सकता हूं, टीचर उनके होंगे उनको भी लगेगा अब जब भी स्कूल में फंक्शन होगा इनको लोग खड़ा करेंगे। मतलब एक अवसर मिला, उसने अपने आप को तैयार किया, अब उसका आत्मविश्वास बन जाएगा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, होगा कि नहीं होगा? ये कार्यक्रम के पहले शायद उसने सोचा नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूं, लेकिन आज के बाद जरूर सोचेगा कि मैं ये भी कर सकता हूं। हो सकता है कि वो इसी को अपना प्रोफेशन बनाना तय करे, तो आप देखेंगे वो 500 चीजें पढ़ेगा, बड़े साहित्य की चीजों की नोट बनाएगा और सोचेगा कि मुझे इस प्रकार के फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए, इस फंक्शन में जाना है तो ये बोलना चाहिए, ये तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? मतलब उसने अपने सामर्थ्य को जाना कि नहीं जाना? आपके जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते होंगे जब आपको कभी न कभी मौका मिला होगा, अगर आपके उसमें सफलता का आपको फीलिंग आता है कि हाँ मैंने ठीक किया, तो आपने उसको नर्चर करना चाहिए, आपने उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो आप सरलता से कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे। दूसरा, कैरियर का अपना महत्व होता ही होता है, हर कोई न साधु बन सकता है न फकीर बन सकता है, हर एक को कुछ न कुछ जिम्मेवारियां संभालनी होती है, और कभी कभी उत्तम तरीके से जिम्मेवारियों को संभाल करके भी हम देश की उत्तम सेवा कर सकते हैं, और इसलिए जीवन में कैरियर का महत्व उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि वो ये करता है इसलिए अच्छा है, चूंकि वो ऐसा करता है इसलिए अच्छा है, तो चलो मैं भी ये कर लूं, तो फिर निराश होने के अवसर बहुत आते हैं। लेकिन मेरे में ये ताकत है, अब आप देखिए किसी माँ बाप में कोई बच्चा ये कहे माँ मुझे खाना पकाना अच्छा लगता, बेटा अगर किचन में चला जाए माँ कैसे पकाती, शुरू में तो माँ को अच्छा लगेगा चलो मदद कर रहा है, बाद में माँ चौंक जाएगी, ये तेरा काम है क्या, जाओ पढ़ाई करो, तुमको किचन में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन उसको मालूम है कि मेरे अंदर ये विधा है, और मानो ये बड़ी मेहनत करके बहुत बड़ा शेफ बन जाए तो वही माँ कहेगी छोटा था ना मैंने तैयार किया था।
कोई काम बुरा नहीं होता है जी, ये बात सही है। उस कालखंड के अपने साथियों को लगेगा क्या यार दो दो घंटे किचन में पड़ा रहता है, लेकिन हो सकता है ये छोटी सी रुचि भी उसके जीवन को बदलाव दे सकती है, और हो सकता है उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव हो तो एक अच्छा सेफ होगा और फिर तय करेगा कि मैं सिर्फ बच्चों के न्यूट्रिशन पर ही काम करूंगा, बच्चों को क्या खाना चाहिए कैसे पकाना चाहिए वो बताइए, वो कितना बड़ा सोशल सर्विस करता हो जाएगा। एक ही व्यक्ति कैसे कैसे राह से गुजर करके जिंदगी को जी सकता है। दूसरा, और एग्जाम देनी होती है, हिम्मत के साथ देनी चाहिए, एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए, डरना ही नहीं चाहिए, खुद को कसते रहना चाहिए। जिंदगी में अगर एकाध एंट्रेंस टेस्ट में रह गए तो क्या हुआ, लाखों लोग देते हैं कुछ लोग रह जाएंगे, तो इतना बड़ा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। हमने डर के कारण पैर न रखे, इससे बुरा कोई अवस्था नहीं हो सकती। हमारी मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी भी हालत में डगर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, एक बार विफल होंगे तो उसमें से सीखेंगे, दूसरी बार करेंगे। ये मिजाज तो विद्यार्थी के जीवन में होना चाहिए, और विद्यार्थी कालखंड विषय नहीं है। 24 साल तक हो गया, 25 साल तक हो गया, विद्यार्थी ऐसा नहीं है, जीवन भर भीतर के विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थी को जीवित रखना चाहिए। कभी भी 80 साल की उम्र में भी विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देना चाहिए, जिंदगी जीने का यही उत्तम मार्ग है, नया नया सीखना, नया नया जानना, नया नया पहचानना। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, मनोरम पर्यटन स्थल झारखंड से कक्षा 12वीं की निशा अग्रवाल अपना प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हैं। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। आज कक्षा 12वीं संतनलाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला झारखंड की छात्रा हूँ। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल है कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ मैं यूपीएससी, जेईई और पीएमटी जैसे एग्जाम्स के बारे में भी सोचती हूँ, लेकिन इन एग्जाम्स में कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है। कृपया इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद निशा। मान्यवर, आपका कोटि कोटि आभार कि आपने हमारे मन के अनेकानेक प्रश्नों एवं हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। आप जैसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री को सुनकर जी ही नहीं भरता, फिर भी आपके अमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पर चर्चा 2020 के अंतिम प्रश्न हेतु मैं आमंत्रित करता हूं पांच नदियों का प्रदेश, गुरुओं की भूमि पंजाब के जीजीएससी मलुका भटिंडा से अरदीप कौर, कक्षा 12वीं की छात्रा को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। अरदीप, अपना प्रश्न पूछिए। सत श्री अकाल सर, मैं अरदीप कौर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलुका, 12वीं कक्षा की छात्रा, पंजाब से हूँ। सर, मैं बोर्ड के एग्जामों में तो अच्छे अंक ला सकती हूँ, लेकिन सर जब बात कंपटीशन एग्जाम की आती है तो मैं चिंतित हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। इस विषय में मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अरदीप। महोदय, अरदीप व निशा की जिज्ञासा पर मार्गदर्शन करें। सत श्री अकाल। मेरा आप सबसे आग्रह है, इसलिए नहीं कि वो किताब मैंने लिखी है, लेकिन जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा कि हो सके तो इसी दो दिन में आप परीक्षा पर चर्चा, एग्जाम वॉरियर मेरी जो किताब है, एक्चुअली वो मेरी नहीं है, आप ही लोगों के द्वारा धीरे 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 पनपती जा रही हो किताब, नए नए पहलू जुड़ जाते हैं, आप लोग उसको दो बार पढ़िए, आने वाले दो तीन दिन में दो बार पढ़िए, आपको कोई सवाल नहीं रहेगा कि
12th तक तो अच्छा करने के बावजूद भी आगे के एग्जाम का तनाव रहता है। ये तनाव किस चीज का है? तनाव आपको माइन्यूटली, और मैं मानता हूं जो 12th के बच्चे हैं उसको समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह। ये तनाव एग्जाम का नहीं है। जो तनाव आप अनुभव कर रहे हैं और जिसको आप एग्जाम का तनाव कहते हैं, वो एग्जाम का तनाव नहीं है। वो तनाव आपके अंदर एक मन में एक एम्बिशन पड़ा हुआ है, एक आकांक्षा पड़ी हुई है कि मुझे ये बनना है। उस बनने के लिए ये एग्जाम मेरे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। अगर मैं विफल रहा या विफल रही तो आगे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको एग्जाम की सफलता का टेंशन नहीं है। आपने खुद को एक करियर के साथ जो आइडेंटिफाई कर दिया है, मुझे ये बनना है, बनने के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं शायद जीवन में निकम्मा हो जाऊंगा, ये टेंशन है। अगर आप एग्जाम वॉरियर किताब पढ़ेंगे तो उसका बहुत सरल उसमें जवाब है कि आप, और मैं अपने जीवन के लिए हमेशा कहता हूं कि हम कभी भी बनने के सपने न पाले। बनने के सपनों में हर पल निराशा की संभावना रहती है कि हमने ये बनना चाहा, नहीं बन पाए तो जैसे जीवन की विफल। लेकिन अगर कुछ करने के सपने देखें तो जो भी करेंगे उसे अच्छा करने का मन करेगा। और इसलिए जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। अगर कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे, तो आपको कभी भी ये एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक खिड़की है, एक दरवाजा है जो आगे जाने के लिए रास्ता खोल रहा है। लेकिन आगे जाकर के एक ही रास्ता नहीं है, ढेर सारे रास्ते हैं, अनेक क्षेत्र हैं। पूरा विश्व मेरे सामर्थ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर ये मिजाज रहा तो मुझे विश्वास है कि आपको इसका तनाव कोई नहीं रहेगा। मैं फिर एक बार HRD मिनिस्ट्री का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के स्कूलों का धन्यवाद करता हूं, विशेष करके सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूं। मैं सभी अभिभावक का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगातार इस परीक्षा पर चर्चा, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ी मदद की है, इसको आगे बढ़ाया है। और हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने एक सकारात्मक भाव से इसको जोड़ा है। मैं आप सब भी जब यहां आए हैं, मेरे सामने एक नया भारत है मेरे सामने। हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए बच्चे यहां हैं। भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा तब आप नेतृत्व आपके हाथ में होगा, ऐसे मेरे सामने लोग हैं। और अगर आज से 30-40 साल के बाद जब आप सफलता को चूमते होंगे और मैं अगर जीवित हूं और कहीं मिल जाऊंगा तो मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज जो इस व्यवस्था का लीडरशिप दे रहे हैं, इस परिस्थितियों को बदलने के काम कर रहे हैं, इस लैब के अंदर नई नई चीजें दुनिया को दे रहा है, वो ये वो लोग हैं जिनको कभी 2020 में 20 जनवरी को मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। मैं गर्व अनुभव करूंगा कि आपके हाथ में जब देश का नेतृत्व होगा, और मैं गर्व से कहूंगा हाँ यार, मैंने बहुत पहले इनको कभी देखा था, मेरे जीवन का इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है। इसी संतोष और विश्वास के साथ, परीक्षा जिंदगी नहीं है,
जिंदगी में परीक्षा एक मुकाम है, उससे अधिक प्रेशर न रखते हुए। और जब आज देश के लाखों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, करोड़ों बालक और दुनिया के भी कई बालक इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं यही कहूंगा कि हम एक पूरे विश्वास के साथ आने वाला कल आपका है, आपके पुरुषार्थ और परिश्रम से आने वाला कल हिंदुस्तान का है, और उसी विश्वास के साथ हम सब आगे बढ़े। मेरी आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आप में से बहुत से बालक हैं, ज्यादातर यही सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन बहुत से बालक हैं जिनको शायद घर से निकले होंगे, तब तो टीवी इंटरव्यू भी दिया होगा कि हम पीएम को पूछने के लिए जा रहे हैं, हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन सबको मौका नहीं मिला होगा। मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि समय सीमा के कारण शायद सबको अवसर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपकी भावनाओं को समझता हूं, आपके सवालों को पढ़ता हूं, और हर पल आपसे जुड़े रहने का प्रयत्न करता रहता हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसी एक भाव के साथ फिर एक बार आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा पे चर्चा के जरिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने अनुभव और टिप्स छात्रों के साथ शेयर किए। दिस हैज बीन एन इंटरैक्टिव सेशन विद स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड इंडीड अक्रॉस द वर्ल्ड। सीरियस क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड आंसर्ड इन अ लाइट हार्टेड मैनर, बट दीज लेसन्स विल रिमेन विद द स्टूडेंट्स फॉरएवर। प्रधानमंत्री जी से अधिक प्रेरणा के लिए उनकी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़िए, और हमें भी यकीन है कि देश भर के सभी छात्र प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर अपने एग्जाम्स अच्छी तरह से दे पाएंगे। सभी छात्रों को हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी छात्रों से विदा लेते हुए बहुत अच्छी टिप्स दी प्रधानमंत्री जी ने आज इस मौके पर इन सभी बच्चों को, जिनके मनों में इतने सारे सवाल थे, इतनी परेशानियां थी, कुछ नन्हे से सवाल जिनके नन्हे से जवाब दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और कुछ बहुत बड़े सवाल जो इन स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े हुए थे, पढ़ाई कैसे करें, इधर उधर की बातों में ध्यान न भटके, उसके लिए कैसी तैयारी करें। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के साथ साथ भविष्य में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए, इन सभी सवालों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। और जाहिर सी बात है कि बच्चों को इन जवाबों से प्रोत्साहन मिला। छात्र कोई भी हो, उसकी आंखों में भविष्य की रोशनी चमकनी चाहिए। ये अनमोल आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का इन बच्चों के लिए और उन सभी बच्चों के लिए जो दूरदर्शन के जरिए और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं। Always a special moment for children with the Prime Minister, and this is a once in a lifetime moment
that has been recorded in a selfie. These children are going to surely remember these moments, and perhaps when they grow up, they will remember these moments for their children and grandchildren. The day when they met the Prime Minister of India and shared their thoughts and questions with him, and he gave answers to them in a very simple manner which they could understand. और दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से विदा लेते हैं परीक्षा पे चर्चा से. नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट.